गोवा में एक परफेक्ट होटल सेलेक्ट करने के लिए यू नीड टू चेक कि वहाँ पे रहने के लिए कमरा, खाने के लिए रेस्टोरेंट, नहाने के लिए बाथरूम और पीने के लिए दारू है या नहीं। नोप, यू डोंट नीड टू चेक ऑल दोज। यू जस्ट नीड टू बी लकी इनफ टू हैव अ वाइफ हु कैन हैंडल ऑल दिस फॉर यू। इन माई केस आई हैव सुगंधा। And those who don't have such a privilege, they can watch the whole video. Brand. Marriott ho gaya, Hilton, Lemon Tree, they're brands and they are well known for their food, hospitality, falana, dhimkana. So ye to hume pata hai ki acche hote hi hain, but iske sath ek problem hoti hai ki obviously they are expensive, theek hai? So if you are okay booking an expensive hotel for yourself and you know, agar 4-5 din ke liye aapko chalta hai itna mehenga hotel book karana, to it's okay, go with it. But agar aapko chahiye thoda sasta hotel and it should have all the amenities aur badi hona chahiye, to aap is tip ko thoda ignore karo and baaki ki tips ko follow karo. तो किसी भी होटल बुकिंग वेबसाइट पे जाके 5 ऐसे होटल्स शॉर्टलिस्ट कर लो जिसके नाम आपको अच्छे लग रहे हो, बट डोंट जज अ होटल बाय इट्स नेम। सो यू नीड टू चेक कि वहाँ के आसपास का एरिया कैसा है। आर देयर इनफ शॉप्स, मार्केट्स, अदर होटल्स, कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स? इफ यस देन यू आर गुड। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा, तो बीच भी पड़ोस में होना बहुत जरूरी है। जब मन करे स्कूटी लेके बीच पे, और अगर रात को आपको भूख लगेगी तो आप सुपरमार्केट जाके कुछ चटर बटर खाने का ला सकते हो। अब इन 5 होटल्स में से वो स्पेशल शॉर्टलिस्ट करने के लिए यू कैन फॉलो आगे की टिप्स। जब मैं एक होटल सर्च करती हूँ तो आई ऑलवेज लुक फॉर अ प्लेस व्हिच इज वाइब्रेंट, कलरफुल, लाइक दिस बेल बॉटम। सो बेसिकली माई कॉन्सेप्ट इज कि हम अपने रूम में हमेशा बहुत सटल और बहुत लाइट कलर्स यूज करते हैं, लाइक यू नो न्यूज, मे बी ग्रेज और वाइट, ऑफ वाइट, लाइक दीज काइंड ऑफ कलर्स। बट जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो इट हैज़ टू बी अ डिफरेंट एनवायरमेंट फॉर अस। अपने रूम जैसा एनवायरमेंट होगा तो फील नहीं आएगी, क्रिएटिव नहीं लगता है। सो नॉर्मली आई प्रेफर होटल्स जो बहुत कलरफुल हो, बहुत लिट हो, लाइट्स हो, आई मीन यू नो इट शुड बी फुल ऑफ लाइफ मेरे हिसाब से। एंड एक और बेनिफिट होता है कि वैन यू गो आउट, तो नॉर्मली हस्बैंड जो होते हैं वो बाहर जाके फोटो खींचने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, एटलीस्ट मेरा वैल ऐसा है। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए जो बेस्ट फोटोज आती है वो भी होटल्स में आ जाती है। Swimming should be one of the most important deciding factor while choosing a good hotel, because I mean swimming karne mein bahut maza aata hai, and even if you don't know swimming, I would highly recommend that you choose a hotel which has a good swimming pool, because when you feel like doing nothing, you just go out in the swimming pool and take a dip and chill and relax, maybe have a couple of beers and maybe have some pakode ya kuch bhi kar sakte ho, aap khel sakte ho pani mein, chap 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 kar sakte ho, ek dusre mein pani uchhal sakte ho. So look for a hotel with a good swimming pool, क्योंकि मतलब मज़ा आता है ना, पानी में किसको मज़ा नहीं आता। कई लोगों को नहीं आता बट मुझे तो आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज चेक रिव्यूज ऑफ द होटल ऑनलाइन। तो व्हेन यू आर बुकिंग अ होटल, नॉर्मली ट्राइपोटो, booking.com, मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, इन सब पे कस्टमर रिव्यूज होते हैं विच आर रियली ट्रू। सो कस्टमर आपको बता देते हैं कि लोकेशन, हॉस्पिटैलिटी, फूड, इन सब का अच्छा आपको रिव्यू मिल जाता है कि सब कुछ कैसा है। एंड मिक्स रिव्यूज होते हैं नॉर्मली, बट यू कैन गो विद द मैक्सिमम रिव्यूज जो आपको अच्छे दिख रहे हैं। एंड इन रिव्यू से आपको ये बेसिक चीजें समझ में आती है एंड इट इज ईजियर टू डिसाइड कि आपको होटल बुक कराना है नहीं। सेकेंड थिंग इज कि जब आप फोटोज चेक करते हो होटल की, तो एक ट्रैवलर फोटोज अलग होती है और जो होटल वाली फोटोज होती है जो होटल वाले लगाते हैं वो अलग होती है। तो नॉर्मली यू शुड चेक दी ट्रैवलर वाली फोटोज, क्योंकि वो ओरिजिनल होती है एंड उस पर ज्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं होती है, वो हम जैसे लोग लगाते हैं। पर जो होटल वाली फोटोज होती है ऑब्वियसली वो बहुत एडिटेड होती है, उनको बहुत ब्यूटीफाई किया जाता है टू ल्योर द कस्टमर। तो यू शुड ऑलवेज गो विद द ट्रैवलर फोटोज। वन लास्ट थिंग हेयर ऑल्सो इज कि जोमैटो पे
होटल का जो भी रेस्टोरेंट है उसके रिव्यूज भी चेक कर लो, बिकॉज जैसे गोवा में हमारे साथ क्या हुआ था कि बहुत बारिश हो रही थी एंड वी हैड टू ऑर्डर द फूड होटल के रेस्टोरेंट से ही. खाना ऑल्दो बहुत अच्छा था बट द ऑप्शंस वर लिमिटेड. तो आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए कि आपके टाइप का फूड लाइक इटालियन, साउथ इंडियन या फिर इंडियन जो भी आपको पसंद है वो आपके होटल में रेस्टोरेंट में मिल जाना चाहिए. तो ये सब अगर आप रिव्यूज़ और फीडबैक चेक करके जा रहे हो तो इट इज़ ऑल सेफ फॉर यू. Now I don't know if you have noticed it or not, but आप कभी भी कोई होटल सर्च करोगे और दो दिन बाद उसका प्राइस चेक करोगे तो वो ज़्यादा दिखाता है. This is because they are checking your browsing pattern. इस चीज़ से बचने के लिए you should always use incognito mode जो Google Chrome में आता है. उससे क्या होता है कि जो भी आपका browsing session है वो record नहीं होता, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन यूज़ VPN जो कि फ्री भी मिल जाता है. गूगल क्रोम एक्सटेंशंस पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे फ्री VPN सर्विसेज मिल जाएंगी. सो यू कैन यूज़ दीज टू थिंग्स. चोरी से बचो, यूज़ इनकोग्निटो. एक फाइनल और थोड़ा चालू टिप देती हूँ. व्हेन यू आर गोइंग टू अ प्लेस जो थोड़ी अनएक्सप्लोर्ड होती है और या फिर आपके कोई फ्रेंड्स नहीं गए हुए हैं एंड इट्स अ न्यू प्लेस फॉर यू, तो किसी ट्रैवल एजेंसी से ना कोट ले लो. उसमें क्या होता है, दे टेल यू कि कौन सा होटल है एंड यू टेल देम कि आपको सेंट्रल लोकेशन में रहना है, तो वो आपको सेंट्रल लोकेशन वाला अच्छा सा डिसेंट होटल दे देते हैं आपके प्राइस में. तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा एरिया अच्छा है एंड लिवेबल है, एंड उसके बाद आप उनसे बुक कराओ या नहीं आपकी मर्ज़ी, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा एरिया एंड वहाँ पे एक जेनेरिक प्राइस रेंज क्या है फॉर अ गुड 3-4-5 स्टार होटल. सो थोड़ा चालू है बट ठीक है.